चलो कुछ आसान से शुरू करें। मुझे फ्रेंच फ्राइज खाना है। आसानी से यह हो जाएगा। मैं सिर्फ खाना बनाना सीखना चाहता था। जब तक हर कोई आलू छील रहा है, मैं कुछ अच्छा पकाऊंगा। वैसे बहुत ज्यादा तेल जैसा कभी कुछ नहीं होता है। खैर, लगभग तेल उबल गया है, जिसका मतलब है कि वहाँ फ्रेंच फ्राइज को तैयार स्लाइसेस डालने का समय हो गया है। नहीं, रुक जाओ। ये छींटे, गरम, बचाओ। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी वजह से हम लगभग उबलते तेल से जलने वाले थे। तेल को पूरी सावधानी से डालना चाहिए, फिर आलू को समान रूप से फ्राई करो। इस तरह से डालना चाहिए, देखो। ओके। तारा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। फ्रेंच फ्राइज तैयार है। जोड़ने के लिए केवल थोड़ी सी सॉस बची है। हाँ, फ्राइज। मेरी राय में ये एक साधारण तला हुआ आलू है, इसलिए मैंने असली फ्रेंच फ्राइज बनाया। लेकिन यह सब नहीं है। अब मैं साधारण आलू से एक वास्तविक डेलिकेसी बनाने जा रही हूँ। मुझे बेकन, ग्रेवी और जाहिर है मीठे रोजमेरी की आवश्यकता होगी। हाँ, इस तरह से यह बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है और स्वाद भी अच्छा होगा। ठीक है, मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। गमी आलू का उपयोग क्यों ना करें? ये कहते हैं कि यदि आप इसे स्ट्रॉबेरी सिरप में डुबोते हैं, यह और भी स्वादिष्ट होगा। आहा, मैं बीच वाले फ्राइज के साथ खाना शुरू करूंगी। दादी, यह बहुत अच्छा है। ओह छी, मैं रोजमेरी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे खेद है मैडम शेफ, लेकिन मुझे यह पसंद नहीं आया। लेकिन मैं एक गमी आलू के आइडिया की सराहना करती हूँ। भाई, तुम अच्छा कर रहे हो, ये बहुत स्वादिष्ट है। अब पता नहीं विनर किसे चुनूं। हाँ, दादी इस दौर को जीतती है। इस बार काम ज्यादा मुश्किल है। आपको सुशी पकाने की जरूरत है। यह हो जाएगा। सबसे अच्छा नुस्खे के अनुसार। सुशी, यह क्या होता है? सब अच्छे से नुस्खे के अनुसार होगा। सुशी, यह क्या होता है? हाँ, गाँव में कोई नहीं जानता कि सुशी क्या है। ऐसा क्यों है? मैं सुशी बना लूंगी। साधारण सुशी बोरिंग है। सुशी विभिन्न कैंडी से बनाना अलग बात है, और सार क्रीम के बजाय अंदर स्वादिष्ट व्हिप क्रीम होगी। और बेशक हम चॉकलेट सिरप के बारे में नहीं भूल सकते। यह बहुत ही सुंदर दिख रहा है। मैं इस गमी आई का भी उपयोग करूंगा। देखो यह कितना खूबसूरत लग रहा है, और यह चॉकलेट सिरप। दिलचस्प आइडिया। मैं भी बहुत जल्द सूची तैयार करूंगी। मुख्य बात शेफ के बाद बहुत सावधानी से दोहराना है। लेकिन अभी तक कुछ भी मुश्किल नहीं है। कुछ भी मुश्किल नहीं है, तो चलो देखें कि आप कितना बुरा सूची बनाती हो। मैं सॉस जोड़ सकती हूँ। वाह, मैंने कभी एवोकाडो नहीं देखा है। सबसे महत्वपूर्ण बात सब कुछ अच्छे से मोड़ना है, जो आप दादी निश्चित रूप से सफल नहीं होंगी। ताड़ाम, परफेक्ट सुशी लगभग तैयार है। उफ, कितना डरावना है। मुझे नहीं लगा था कि मेरी सुशी इतनी बदसूरत होगी। यह सुशी को सैल्मन में लपेटने का समय है। मुख्य बात है मछली मोटा नहीं हो। इसे अच्छे से टुकड़ों में काट ले, और हमें सोया सॉस के बारे में नहीं भूलना चाहिए। मछली तुम कहती हो, ठीक है, यह हो जाएगा। मैं डालूंगी इसे। हो गया। मुझे उम्मीद है कि यह स्वादिष्ट निकला। वाह शेफ, जाहिर है तुम्हारी सुशी ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। मैं इस भयानक चीज को अपनी पोती के सामने नहीं रख सकती। हमें कुछ करना होगा। ठीक है, सिर्फ खीरे के साथ सुशी क्यों नहीं बनाते? ये स्वादिष्ट और पौष्टिक दोनों होगा। मैं इसे अच्छे से स्कूप करूंगी। घिनौना। ऐसा क्यों? खीरा सुशी के लिए अच्छा इंग्रेडिएंट है। मुझे बस इसमें और चावल डालने की जरूरत है। मैं इसे अच्छे से भर देती हूँ, और अब इसे अच्छे से स्लाइस में काट लेती हूँ। तड़ाम, देखो कितना सुंदर है। What? यह क्या है?
मैंने कभी खीरे और चावल सुशी नहीं देखी है। इसमें मछली भी नहीं है। नहीं, मैं इस सामान को खाना नहीं चाहती, लेकिन मैं खुशी के साथ मीठी सुशी को खा सकती हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन यह बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है। आखिरी डिश बची है और मैं इसे खाकर देखती हूँ। ओ वाह, यह हुई ना बात, असली सुशी। मैडम शेफ, आप जीत गई हैं। हाँ, मुझे यह पता था। मुझे आशा है कि तुम में से सभी एक वॉफल बना सकते हो। मैंने सुना है कि मुझे एक अंडे से शुरू करना होगा। मुझे लगता है कि मुझे उससे कोई समस्या नहीं होगी। या आटा जोड़ने का समय है। अब पैकेट खोला और डालता हूँ। मुझे दांत में खुजली हो रही है। अच्छी। ओह, तुम्हारा वाफल देखने लायक होगा। कोई बात नहीं, यह फ्लोर मेरे लिए एक स्वादिष्ट वाफल बनाने के लिए काफी है। मुझे बस सब कुछ अच्छी तरह से हिलाना है। हाँ, यह तैयार हो गया। Let's go! अब मेरा तैयार बैटर एक वाफल आयरन में डाला जा सकता है। ये मेरी बहन के जीवन में सबसे स्वादिष्ट वाफल होंगे। बैटर बहुत स्वादिष्ट निकला, और सबसे महत्वपूर्ण बात, बिना अंडे के। मुझे उम्मीद है कि एक अच्छा वाफल बना देगा। सभी ने चीनी डाली है, लेकिन मुझे पता है कि चीनी हानिकारक है, तो इसके बजाय मैं एक पूरा पका हुआ कद्दू जोड़ूंगी और मैं इससे बैटर बनाऊंगी। इसे घिस लिया और अब इसमें अंडा मिलाया। हाँ, यह अच्छा है। और अब थोड़ी मैदा और इन सबको अच्छे से मिला देना है, इस तरह से। ओह, ये बहुत खराब लग रहा है। लेकिन ऐसा बैटर तुम्हारी तुलना में बहुत हेल्दी है। अब मैं इसे वॉफल आयरन में डाल सकती हूँ। हाँ, यह ठीक है। अब थोड़ा इंतजार करना है। ओह, ऐसा लगता है कि वॉफल थोड़ा जल गया है। गरम। ओह, यह बहुत गरम लग रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसको अच्छी चीजों के साथ छिपा सकता हूँ। व्हिप क्रीम, बेरीज और चॉकलेट सिरप के साथ। हाँ, अब यह बढ़िया लिख रहा है। और मैं पारंपरिक रूप से अपने वॉफल पर मैपल सिरप डालूंगी और मक्खन का एक टुकड़ा भी। जरूरत से ज्यादा नहीं होगा। हाँ, कितना सुंदर लग रहा है। और मैं हेल्दी हर्ब्स के साथ अपने पहले से हेल्दी वॉफल को सजाऊंगी। चलो खाते हैं। ओ भाई, तुम्हारा वॉफल बहुत ओवरकुक्ड है। मैं वो नहीं खा पाऊंगी। और इन वॉफल्स का स्वाद घास और कद्दू की तरह क्यों है? मुझे उससे नफरत है। छी। दादी, लेकिन आपने बहुत ही स्वादिष्ट वॉफल्स बनाए हैं। आप इस दौर में जीतती हैं। हुर्रे! अंत में मैं एक स्वादिष्ट कॉफी पीना चाहती हूँ। यह हो जाएगा। मैं एक शानदार आइडिया के साथ आया हूँ। गर्म कॉफी बोरिंग है, आज कोल्ड कॉफी यानी फ्रैपचिनो फैशन में है। मुझे एक बड़े जार में ज्यादा से ज्यादा बर्फ डालना होगा, फिर उससे स्वादिष्ट चॉकलेट सिरप डालूंगा। और बेशक हमें कॉफी को नहीं भूलना चाहिए। मेरे पास यहाँ स्टारबक्स है और ट्विक्स चॉकलेट का एक कॉकटेल निश्चित रूप से इसे स्वादिष्ट बना देगा। मैं इसे अब मिक्स करता हूँ और दूध के बजाय इसी का इस्तेमाल करूँगा। मुझे लगता है कि मैं एक और क्लासिक कॉफी बनाऊंगी।
मेरी पोती को यह बहुत पसंद आएगा। अंत में व्हिप क्रीम और कुछ चॉकलेट कैंडी मिलाना होगा। ओरियो कुकीज, कैंडी बार, बेशक हमें स्ट्रॉ को नहीं भूलना चाहिए। खैर, अब कॉफी बनाने की बारी मेरी है। मैं असली कॉफी बनाऊंगी। वेंडिंग मशीन की मदद से मैं कॉफी बीन्स की सही क्वांटिटी लूंगी और खुद उसे ग्राइंड करूंगी, जिससे जितनी जरूरत हो उतनी ही कॉफी मुझे मिले। हाँ, अब तक तो सब बढ़िया चल रहा है। अब मैं इसे डालती हूँ और इसके ऊपर से उबलता हुआ पानी डालूंगी। हाँ, अब तक सब बढ़िया चल रहा है। कॉफी के लिए दूध और इसे मैं खुद ही मिलाऊंगी। इसे अच्छे से फेंटना है, इस तरह से। हमें कैसे सर्व करना चाहिए इन नियमों को नहीं भूलना है। देखो कितना सुंदर लग रहा है। दादी, मैं इस कॉफी को हमेशा पहचानती हूँ और मैं आज यह कहना चाहूंगी कि ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ये पैकेट का है। पहला मग ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, स्वादिष्ट है, लेकिन मेरे लिए थोड़ा कड़वा। आखिरी मग चखना बाकी है। ये सच्ची में अच्छा है। भाई, तुम इस दौर में जीत गए। ये आखिरकार पारारा में आपका स्वागत है। मैं इतनी बदनसीब क्यों हूँ? मेरे पास केवल एक पिज्जा है, क्योंकि बाकी के मुझे मिल गए हैं। नहीं, मेरे पास सारे पिज्जा है। जरा इस टावर को देखो। ओह माय गॉड, तुम्हारे पास इतने सारे पिज्जा है और मेरे पास केवल एक? ये सही नहीं है। रोना बंद करो और जल्दी खाना शुरू करो। आशा है कि मेरा पिज्जा कम से कम स्वादिष्ट हो। ये पक्का दूसरों की तुलना में ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। यम्मी, और कितना सारा चीज है। मुझे चीज बहुत पसंद है। अरे मैं तुम्हारे लिए कोई कचरे का डब्बा नहीं हूँ कि तुम मुझ पर बचा हुआ खाना फेंकती रहोगी। यह लो। तुम लड़ क्यों रहे हो? मैंने इसे जानबूझकर नहीं किया। मैं भी जल्द से जल्द अपना पिज्जा खाना चाहती हूँ। इसे देखकर ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मैं तेजी से और ज्यादा आसानी से खाने का एक तरीका जानती हूँ, ताकि मेरे हाथ गंदे ना हो। वाह, मुझे नहीं लगा था कि कोई ऐसा कर सकता है। तुम ये कैसे कर रही हो? पिज्जा इतना स्वादिष्ट है, इसलिए मैं ये कर पा रही हूँ। मुझे क्या हो गया? मुझे नहीं लगता है कि अब तुम पिज्जा खा पाओगी, लेकिन हमें वो खाने से कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तुरंत खुद को ठीक करना होगा, ऐसे अजीब लग रहा है। मेरा पिज्जा कहाँ गया? किसने चुराया? सच में किसने हिम्मत की? ओह, तुम चोर, शर्म नहीं आती? मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, क्योंकि मैं केवल इस बारे में सोच रहा हूँ कि मैं अपने पिज्जा के ढेर को कैसे खाने जा रहा हूँ। तुम मेरे सबसे स्वादिष्ट पिज्जा, अब तुम्हें खाने का समय आ गया है। शायद तुम्हें वो नीचे से नहीं खाना चाहिए। अरे यार, इससे क्या होगा? या, हमने तुमसे कहा था। हाँ, एक मस्त पिज्जा राउंड था। मुझे इस तरह की सजा क्यों दी जा रही है? मुझे लहसुन से नफरत है। यह किसे पसंद होगा? तुम लोग बदकिस्मत हो, क्योंकि मेरे पास केवल एक लहसुन है। तुम क्यों हंस रही हो? तुम्हें इसे सबसे पहले खाना होगा। यह आसान है, मैं कायर नहीं हूँ, इसलिए मैं इससे जल्दी निपट लूंगी। बस मुझे उल्टी नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है मैंने खुद को ज्यादा ही ताकतवर समझ लिया। इस तरह का बकवास खाना बिल्कुल गलत है। बस बहुत हुआ। यह क्या,
तुम्हें अपने लहसुन को पूरा खत्म करना होगा। मेरे पास तुम्हारे लिए स्पेशल उपहार भी है, एक लहसुन प्रेस। तुम इसमें सारा लहसुन डाल सकती हो और इसे सीधे तुम्हारे मुंह में दबा सकते हैं। मुझे नहीं चाहिए, मुझे उल्टी हो जाएगी। खाना तो पड़ेगा, अपना मुंह खोलो। कितना खराब, अब लग रहा है कि मेरे मुंह में किसी बिल्ली ने, ठीक है तुम समझ गए ना। छी, मैं भी इसे सूंघ सकता हूँ। ये कैसी बदबू आ रही है, कितना भयानक है। अच्छा है कि मेरे पास ऐसे मामलों के लिए हमेशा गम होता है। तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद, अब ये बदबू नहीं आई और मुझे ये सहना नहीं होगा। एलेक्स, लहसुन खाने की तुम्हारी बारी है। मैं इसे क्यों खाऊंगा, देखो कि इसे कितना अच्छा हार मिल सकता है। अपनी शरारतें बंद करो, तुम्हें इसे वैसे भी खाना पड़ेगा। ओके ठीक है, लेकिन पहले सभी एक्स्ट्रा चीजों से छुटकारा पाना होगा। मेरे पास इसके लिए एक बहुत बड़ा फूलदान भी है। अब इसमें सिर्फ इसकी कली बची है, तो इसे खा सकते हैं। ओह, मैंने अपने जीवन में इससे ज्यादा घिनौना स्वाद कभी नहीं चखा है। सच में ये बदबू बर्दाश्त करने लायक नहीं है। एक साधारण कपड़े का पिन हमें हमेशा किसी भी गंध से बचा सकता है, और अगर ये काफी नहीं है तो हमें हर जगह एक एयर फ्रेशनर स्प्रे करने की जरूरत है। लेकिन लगता है कि सिर्फ एयर फ्रेशनर मदद नहीं कर रहा है, हमें बदबू के स्रोत को बेअसर करने की जरूरत है। यह मदद करता है, लेकिन इसे घर पर दोहराने की कोशिश न करें, क्योंकि एयर फ्रेशनर बहुत खतरनाक होता है। पर अब मुंह से कोई बदबू नहीं आ रही है। जूली, तुम किसका इंतजार कर रही हो, जल्दी करो और अपना लहसुन खाओ। मैं बचपन से इस चीज से नफरत करती हूँ। अगर तुम मेरा चेहरा हरा होते हुए देखना तो मेरी मदद करना प्लीज। ये कितना घिनौना है। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो, तुम्हें जल्दी करने के लिए नहीं कहा गया है। लेकिन इस तरह से मैं इस लहसुन से जल्द निपट लूंगी। वाह, क्या हिम्मत है और क्या स्पीड है। जूली, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। बस हो गया, अब कोई और लहसुन नहीं। ओह, इतनी बदबू तो मुझसे भी नहीं आई थी। जूली, मुझे माफ करना, लेकिन हमें तुम्हें अलग करना होगा, नहीं तो बदबू हर तरफ फैल जाएगी। अरे किस लिए, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, मुझे लगता है मैं गिर रही हूँ। इसने काम किया, से कम अब कमरे में बदबू नहीं फैलेगी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हुर्रे। अरे यार, मैं टिकटैक के साथ भी बदकिस्मत हूँ। और मैं लकी हूँ, मेरे पास एक पूरा पैक है। देखो कौन सच में लकी है। हाँ, मुझे भी कभी कभी अच्छे ट्रीट्स मिलने ही चाहिए। मेला, तुम्हारे पास सबसे कम कैंडी है, तो तुम शुरू कर सकती हो। मुझे लगता है कि मेरे लिए एक टिकटैक कैंडी खाना मुश्किल नहीं होगा। स्वादिष्ट है लेकिन बहुत कम। एलेक्स, अब तुम्हारी बारी है। आखिरकार अब मैं खा सकता हूँ। यह क्या हो रहा है, कुछ भी क्यों नहीं निकल रहा है, मेरी कैंडी कहाँ है। एलेक्स की कैंडी खत्म हो गई है। यह रहे यार, अब मैंने टेबल पर टिकटैक बिखेर दिया है। मुझे लगता है कि मैं इसे एक साधारण स्ट्रॉ के साथ जल्दी से इकट्ठा कर सकता हूँ। हो गया, जूली केवल तुम ही बची हो। मेरे पास कैंडी का सिर्फ एक बड़ा पैक नहीं है, मेरे पास सामान्य पैक का पूरा ढेर है। यह सभी के लिए काफी है। यहाँ और भी है, सभी कैंडीज मेरी है। मुझे टिकटैक बहुत पसंद है, इसलिए मैं जल्दी से सारे पैक खा जाऊंगी। उफ, उसने हमारे साथ शेयर भी नहीं किया। यह कोई बड़ी बात नहीं है, मैं एक पैक चोरी करने का तरीका जानती हूँ। ताड़ा, और यह रहा हमारा कैंडी। वहीं रुक जाओ तुम दोनों, चोरी करने में शर्म नहीं आती। कोई एविडेंस नहीं है, तुम कुछ भी साबित नहीं कर सकती। अच्छा, अब मैं तुम्हें एक सबक सिखाती हूँ। जूली का बदला भयानक होगा। हाथ ऊपर, यह लो। कैसा लगा? अब समझे मेरे ट्रिक चुराने से क्या होता है।
वाह मेला, कितने सारे कैंडी हैं, चलो जल्दी से पकड़ो। हाँ बिल्कुल सही कहा। अरे नहीं, मेरे पास कोई टिक टैक नहीं बचा है, मैंने ये सब गोलियों पर खर्च कर दिया। लेकिन तुमने इसे अपने दोस्तों के साथ तो शेयर किया। हेलो दोस्तों। वाव वाव, ये आइसक्रीम मुझे भी चाहिए। वह कौन आया है? हेलो, क्या हालचाल है? कितना हैंडसम है। हेलो, क्या हो गया? अच्छा है, अब मैं आराम से तुम्हारा आइसक्रीम खा सकता हूँ। क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? ये मेरा है। वाह, अब ये आइसक्रीम मेरा है। बहुत अच्छा, दूसरों की चीजें नहीं चुरानी चाहिए। बहुत स्वादिष्ट था ये, किसने किया? तुम इतनी खराब क्यों हो? अब तुम दोनों मेरे साथ चलो। चलो देखते हैं अंदर क्या है। हाँ बस इतना ही, हम तीनों के लिए सिर्फ एक कुकी। एक्सक्यूज मी, ये काफी नहीं है। okay. हम क्या करेंगे? okay. ओ, मुझे पता है, चलो कार्ड उठाते हैं। ओ, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, बुरा हुआ। अगर मैं जल्दी से कर लूँ तो? नहीं, तुम हमारे कुकी नहीं छू सकते हैं। okay. अब मैं कार्ड उठाती हूँ। ये मैं इसका बाइट ले सकती हूँ। अच्छा, मतलब मुझे चाटना होगा। मुझे खाने का मन था। आज किस्मत वाली सिर्फ मैं ही हूँ। वैसे मेरे पास एक आइडिया है। सामंता, मैं पहले जा सकती हूँ? हाँ, तुम्हें खाना थोड़ी ना है। खा नहीं रही हूँ, पर मैं इसका सबसे स्वादिष्ट फ्रॉस्टिंग चाट सकती हूँ। क्या तुमने थोड़ा भी नहीं छोड़ा? चिंता मत करो, अब तुम ये मेरे थूक के साथ खाओगी। लो, अब तुम इसके मजे लो। कितना भयानक। छी, ऐसा लग रहा है कि किसी कुत्ते ने मेरा मुंह चाट लिया हो। अरे यार, मेरे ऊपर क्यों फेंका? उफ। चलो खोलते हैं। क्या इस बार मैं करूं? देखते हैं अंदर क्या है। ओह, लगता है ये कैक्टस है। शायद ये चॉकलेट हो, देखना होगा। नहीं, चुप गई, ये असली है। अरे कितना बुरा, मुझे पता है मैं मदद कैसे कर सकता हूँ। मेरे पास यहाँ कुछ बैंडेड है, तुम्हें इसकी ही जरूरत है। धन्यवाद जैक, तुम एक अच्छे दोस्त हो। लगता है अब समय आ गया है कार्ड उठाने का। ठीक है, ये बहुत अच्छा, मुझे ये नहीं छूना होगा, मुझे चाटना होगा। और मुझे इसका बाइट लेना होगा। क्या हो रहा है? चलो फिर तुम शुरू करो। मैं क्यों? तुम शुरू करो। नहीं तुम, क्यों बच्चों की तरह लड़ रहे हो? ये तुम्हारा है, नहीं तुम्हारा। बस बहुत हो गया, क्यों ना रॉक पेपर सीजर खेलकर मामला सुलझा ले। ओके, अच्छा आइडिया है, रॉक पेपर सीजर। हे, मैं जीत गई। तो जैक, तुम्हें पहले यह चाटना होगा। अरे यार, ठीक है। कितना दर्द हो रहा है। ओह बेचारा जैक। अरे ये बस मजाक था, देखो ये जीव असली नहीं है। कितने शरारती हो तुम। चलो अब असल में इस कैक्टस को चाटो। ठीक है, वैसे मैं रिस्क क्यों उठाऊं अगर मैं इस कैक्टस को एकदम ठीक कर सकता हूँ। अब ये बिल्कुल कटीला नहीं होगा। अरे ध्यान से। हाँ, सीधा उड़कर हमारे ऊपर आ रहे हैं। मैं कांटों में ढक गई हूँ तुम्हारी वजह से जैक। अब मैं आराम से इस कैक्टस को चाट सकता हूँ और एम्बर इसका बाइट लेगी। हाँ खा कर देखती हूँ। मेरा कोई काम भी नहीं था, पर फिर भी मैं कांटों में ढकी हुई हूँ। जैसा भी हो, कैक्टस का स्वाद बहुत बुरा होता है। फिर से मेरे ऊपर क्यों? क्या हो रहा है? सब एम्बर ने किया है।
यह कैसी बदबू है? लगता है ढक्कन के नीचे से आ रही है, पता लगाना होगा अंदर क्या है। ओके। इसी बात का डर था, यह मछली है। छी, कितना बुरा। उफ, बहुत खराब। कार्ड उठाना होगा। उफ, मुझे ये चाटना होगा। ये मुझे कुछ नहीं करना है, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। यह क्या हुआ? घर छोड़ो। ओके। तो फिर मुझे यह खाना होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ हाँ, तुम्हें करना ही होगा, पर चलो पहले मैं चलता हूँ। यह जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। मुझे डर लग रहा है, पर यह करना ही होगा। एक मिनट रुक जाओ, हम इंतजार नहीं करेंगे, मैं मदद करती हूँ। अब यह जल्दी कर रहा है। छी, कितना गंदा। तुमने हिम्मत कैसे की? मैं बदला लेकर रहूंगा। ये लो, अपनी मछली खाओ। ये तुमने क्या किया? मैं तैयार नहीं थी, मुझे उल्टी हो जाएगी। उफ, कितनी बदबू आ रही है। पर बस इतना ही नहीं है, अभी भी आधी मछली बची हुई है। मुझे छोड़ दो यार। ओह, चोट लग गई, या क्या किया? चलो खोलते हैं। हाँ चलो। वाह, कितना बड़ा केक, मुझे ये खाने का बहुत मन है। रुक जाओ, पहले कार्ड लेने होंगे। ओके। और ये तैयार है, ये लो। वाह, मैं चाट सकता हूँ, ये मैं खाऊंगी। उफ, मुझे कुछ नहीं मिला, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मैं भी केक खा कर रहूंगी। ओ, कितना स्वादिष्ट है, मैं तो ये दिन भर खा सकती हूँ। हाथ दूर रखो, ये तुम्हारा केक नहीं है। शेयर तो कर सकते हो। नहीं, ये हमारे लिए भी काफी नहीं है। क्या तुम भूल रहे हो, केक मेरा भी है। कितना स्वादिष्ट। बस जैक, अब तुम्हारा हो गया। What? तुम क्या कर रही हो? ओ, मेरे नाक पर केक है, बहुत अच्छा। तुम सही कह रहे थे, यह केक कमाल का है। सुनो सामंथा, क्या तुम मेरे साथ शेयर करोगी? Please. मैं कैसे दूं, यह केक मेरा है। अच्छा, ऐसा है, तो यह लो। यह क्या किया? अब तुम यह लो। अरे, मत फेंको। तुम दोनों मस्त लग रहे हो। पता नहीं अंदर क्या होगा। ओ, लगता नहीं कि इसका स्वाद अच्छा होगा। यह कितना खराब है, बहुत बुरा। मुझे ये खाना होगा। ये मैं भाग्यशाली हूँ। मुझे क्या मिला है? ठीक है, इसे चाटना मुश्किल नहीं होगा। अगर मैं अपनी नाक पर पिन लगा लूँ, सच में कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर पिन हटा दिया जाए तो तब मजा आएगा ना। उफ, कितना गंदा, मेरी पिन वापस दो। जैक, अब तुम चलो। ओके। अरे नहीं, मैं ये नहीं खा सकता, ये बहुत खराब है। पर खाना ही होगा। मैं इतना बदकिस्मत क्यों हूँ? चलो, मैंने खा लिया। आखिरकार ताजी हवा। हाँ, कितना अच्छा। तुम दोनों ज्यादा जल्दी खुश हो गए हो। अरे नहीं, फिर से वो बदबू, मुझे बचाओ। मैं गिर रही हूँ, बचाओ। उप्स, मैंने कुछ नहीं किया। चलो साथ में देखते हैं। वाह, अब्बा बाबा। हाँ, और अब बस कार्ड लेना बाकी है। मुझे क्या मिला है?
What? Oh no! मैं नहीं खा पाऊंगा. Okay. और मैं इस गम का पूरा मजा लूंगी. बहुत बढ़िया. चाटना, पर गम को तो चबाया जाता है. यह लो, पकड़ो. तुम पहले चलो. हाँ, क्यों नहीं. आशा है ये स्वादिष्ट होगा. वाह, बिंगो. पर मैं सिर्फ इसे चाटू ही क्यों, अगर इसे पूरा खोला जा सकता है यह जरूर और अच्छा होगा. तुमने ये पूरा बर्बाद कर दिया. बस बहुत हुआ, ये मुझे दे दो. उफ, अब ये कितना गंदा हो गया है. मुझे तो स्वादिष्ट लगा. नहीं, मैं ये नहीं खाऊंगी. बहुत ही खराब है. अरे, पर मैं इसके साथ क्या करूंगा.